चंद दिनों में यह केस भी खत्म हो जाएगा, मगर एक सवाल बाकी रह जाता है कि आपकी अम्मी को आपकी मुलाजमा ने चाय में जहर नहीं मिला के दिया तो फिर यह कौन कर सकता है? आपको किसी पे शक तो होगा? शक तो है, मगर वो लोग बहुत ताकतवर हैं। मैं लड़ नहीं सकती उन लोगों से, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि बानो बेकसूर है और आज मैं उसको घर वापस लेकर जाऊंगी अपने साथ। नहीं इंशाल्लाह, मगर देखिए मर्डर तो हुआ है। चले फिर, कोर्ट का टाइम हो गया। चल साथ, कहाँ हो यार? सॉरी यार, लेट हो गया। बैठ। कब से कॉल्स कर रहा हूँ यार, कहाँ बिजी हो? बैठ। एक ग्लास पानी भेजिए। ये कुछ पेपर साइन करने हैं और ऑर्डर भी डिलीवर करना है। अच्छा, वो सब तो हो जाएगा यार। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक दफा तूने मुझे बताया था कि तेरे एक अंकल है फार्मा में। यार वो आजकल एचआर को हेड कर रहे हैं। यार वो जायरा का कल इंटरव्यू है, अगर तू बात कर ले तो मामला जरा आसान हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? तुझे आज भी जायरा की फिक्र है? दोस्त है मेरी। ओहो, दोस्त तो हम भी है तुम्हारे, लेकिन तेरी हर बात घूम फिर के उस जायरा पे आके रुकती है। अच्छा पेपर्स दो। सुबह से दिमाग खराब करने आ जाते हैं। खैर मैं देखता हूँ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मगर ये जो झुंझुनाट तेरे चेहरे पर आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि मामला गड़बड़ है। मेरी मान भूल जाओ उसे, वो शादीशुदा है यार। हो गया? हाँ, मैं काम कर लूँ। ओके। कितनी बार आपको कहना पड़ेगा पानी भेजें? जल्दी करें प्लीज। सीवी हो गए, रेफरेंस लेटर हो गए, सब रख लिया है। चलो ले लीजिए आपकी कॉफी। हाँ बस एक सेकंड। अरे आहिस्ता गर्म सही है। चलो नाश्ता कर लो पहले। अम्मी एक सेकंड। एक तो टाइम के वक्त ये लोग फोन नहीं पिक करते हैं। अच्छा जब तक गाड़ी नहीं आ रही तब तक नाश्ता कर लो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। हेलो भाई आप आ गए? बस मैं आ रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अरे खाली पेट कैसे इंटरव्यू दोगी? अम्मी मैं रास्ते से कुछ ले लूंगी, आप बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शादी से पहले हमारे दरमियान कमिटमेंट हुई थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूंगी। तुम अब अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? फिर वही बात। फिर वही बात? ये बातें तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं रखती, ये बातें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। क्यों? क्या कमी है तुम्हें इस घर में? बस एक बिलावजह की जिद के पीछे तुम रोज मुझसे लड़ती हो। क्या है यार, तुम्हारे लिए कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, तुम कोनों की उल्टी बात कर देती हो। मैं उल्टी बात नहीं कर रही, मैं पुरानी बातें ही दोहरा रही हूँ।
और उमेर मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। जवाब चाहिए तो सुनो जवाब, तुम अब मीर उमेर की बीवी हो और हमारे खानदान की औरतें छोटी छोटी नौकरियों की खातिर सड़कों की खाक नहीं छानती। गुड मॉर्निंग मिस ज़ायरा, प्लीज कम इन। थैंक यू। काफी आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका। थैंक यू सो मच। इतने आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड के बावजूद आपने कभी जॉब देखी? सर कुछ डोमेस्टिक रीजंस थे। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था कि मैं जॉब करूं। तो आपने हस्बैंड की वजह से जॉब छोड़ दी। व्हाट अ पिटी। सर उन्होंने अब मुझे छोड़ दिया है। So now in order to have stability in life, I badly need this job. लेकिन अमूमन लड़कियों को जॉब देने के खिलाफ रहता हूँ। इसकी वजह यही है कि उनकी पर्सनल मजबूरियाँ उनकी जॉब के बीच में आ जाती हैं। शादी हो जाती है, कभी कोई और जिम्मेदारी आ जाती है, कभी कोई और मजबूरी। हमें इस पोस्ट के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसकी मजबूरियां ना हो। बी दैट कैंडिडेट। We'll let you know. Thank you. My file. Sure. और अगर आप सब कुछ अकेले हड़पने की कोशिश करेंगे तो जब तो मैं भी नहीं रह सकती। जोया जरा ख्याल से बात करो। मामू है तुम्हारे, बाप की जगह है। बाप की जगह है तो उसी जगह रहे। मैं आपकी तरह एक कमरा मिलने पर ना खुश नहीं हो सकती। मेरी और उमेर की शादी होगी और हर सूरत होगी, मगर ये ऐसा नहीं चाहेंगे। मैंने कब मना किया? लेकिन आप अचानक उमेर नहीं मान रहा तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं। झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते ना कि सच का गुमान होने लगता है। मैं उमेर से कंफर्म कर चुकी हूँ, आप बस जरा पास रहिए।